रिलायंस एनर्जी इज बाइंग 20% स्टेक इन यूएस बेस्ड कॉर्पोरेशन केएलएक्स। तो गाइस चलो इस एक्विजिशन के पीछे का लॉजिक समझते हैं। सो गाइस आने वाले साल कम्प्लीटली ग्रीन एनर्जी की तरफ है, हर कोई पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहता है, धीरे धीरे प्लास्टिक बैन हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ बढ़ रहे। अब आज की डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करके बनती है, बट फ्यूचर में प्लान है कि सोलर पैनल से बनाई जाए, एंड यही काम एग्जैक्टली केएलएक्स करता है। केएलएक्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो नॉर्मल सोलर पैनल के कंपैरिजन में 30% ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और 30% कम कॉस्ट पे करता है। सो गाइस यही रीजन है कि मेन रिलायंस एनर्जी ने 20% स्टेक एक्वायर किया। सो गाइस यही सारे एक्विजिशंस करती रहती है कंपनी बेस्ड ऑन फ्यूचर प्रॉफिट। अब जब इलेक्ट्रिक कार्स चालू होगी और सारी इलेक्ट्रिसिटी का धंधा मेन स्ट्रीम में आएगा, तब अंबानी विल बी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स। बट एक्चुअल में गाइस प्लानिंग होती है 15-20 साल पहले से, जैसे इन लोग करते आ रहे हैं।